नमस्कार आप सभी का और बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। तो चलिए थोड़ा मैं जस्ट ब्रीफ में एक मतलब मैसेज देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज बहुत लोगों का कॉल आ रहा है ना जूनियर्स का, कि गेट में इतना रैंक आ गया है 5000 10000 या जस्ट क्वालिफाई हुआ हूँ 9000 रैंक है 8000, अब क्या हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं बताऊँगा कि अगर आपका रैंक सही है, अगर आपका रैंक मान लो 500 है 1000 है 2000 जो भी है, अगर आपका आपको लग रहा है कि PSU या MTech या आपको जो है NIT से भी MTech अगर मिलने का चांस है तो ठीक है, आप उसके लिए रेडी हो जाओ है ना, और उसके लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको PSU मिलेगा तो इंटरव्यू की तैयारी करो आप, है ना, और अगर आपको MTech मिलेगा उसके लिए आप लगे रहो, मतलब डिफरेंट कोर्स के लिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, है ना। बट अगर आपका रैंक वैसा है नहीं, अगर आपको कुछ मिलने का चांस नहीं है, फिर अगर आप 10 लोगों को फ़ोन लगा के और उनसे आप अगर विचार लेना चाह रहे हो कि मेरा कैसा होगा, है ना, मुझे क्या मिलेगा, अब ऐसे क्या होगा वैसे क्या होगा, तो इन चीज़ों से कोई जो है समस्या का आपका समाधान नहीं होगा ना। अगर आपका रैंक सही नहीं है, अगर आपका रैंक जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब है या जस्ट क्वालिफाई हुए हो, या मान लो कोई बहुत लोग ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो लोग जो है परेशान हैं कि अब मुझे क्या करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो परेशान होकर आप क्या करोगे बताओ, परेशान होकर क्या करोगे आप? अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए हो तो आपको यही करना है ना कि आपको जो है तैयारी करना है नेक्स्ट एग्ज़ाम का, या और कोई एग्ज़ाम देखना है या कुछ और करना है, ना कि आप जो है एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओ और आप तैयारी छोड़ दो। तो इससे कोई समस्या का समाधान नहीं, समस्या का समाधान है कि आराम से आप शांति से दोस्तों से या घर में बैठ के बात करना पड़ेगा आपको, और आपको जो है नेक्स्ट प्लान बनाना पड़ेगा, है ना, कि अब क्या करूं, किसी और एग्ज़ाम में जाऊं या गेट में ही रहूं या टेक्निकल नॉन टेक्निकल में कुछ आपको जो है मतलब समझना है या कुछ और करना है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ना कि आप जो है परेशान होकर लोगों को फ़ोन लगाओगे, लोगों से विचार लोगे। अगर मान लो हमसे ही कोई अगर विचार लेना चाहता है तो मैं विचार क्या दूंगा, बस यही बताऊंगा ना, अगर आपका सही नहीं है तो आप तैयारी करो, या अगर आपका अच्छा है तो अच्छी जगह काउंसलिंग करवाओ, है ना, और PSU का फॉर्म डालना शुरू कर दो, इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, यही है ना। ऐसा तो है नहीं कि जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, जिनका रैंक 10000 आ गया, उनको मैं एकदम बता दूंगा कि हाँ आपको PSU मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो वही है, आपको जो समस्या को मतलब और बढ़ा चढ़ा के और उसके बारे में जो है सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बस आपका मतलब भला इसी में है कि आप चीज़ों को समझो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग काम करो आप। मैं इसलिए ये वीडियो बनाया, एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा आ रहा है, मतलब कॉल आ रहा है मैसेज कि वो जस्ट क्वालिफाई हुए हैं या उनका 4000 रैंक है 5000 रैंक है और वो जो है PSU के लिए परेशान हो रहे हैं। अब बताइए, अब PSU कैसे मिलेगा उनको 5000 रैंक में, ठीक है। तो ऐसे मतलब डाउट से, ऐसे समस्या से जो है मतलब उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर और थोड़ा मैं बात करूँगा, जस्ट अगर अभी थोड़ा फ्री था तो, है ना, मतलब ऑफिस निकलने ही वाला हूँ तो थोड़ा मैसेज देना चाह रहा था आप लोगों को, और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो मैं गेस्ट हाउस में हूँ, है ना, और गेस्ट हाउस थोड़ा देर निकलूँगा, चलिए आपको थोड़ा बाहर का दिखाता हूँ नज़ारा, है ना, बाहर कैसा है, तो चलिए फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गेस्ट हाउस है ना, ये गेस्ट हाउस है और यहाँ पे सारे असिस्टेंट इंजीनियर है ना, एक्सीएन सर और वो सब, ये सामने आपको ऑफिस दिख रहा होगा, है ना, वो हम लोग का हेड ऑफिस है ना मेरठ का, और यहाँ पे सारे सीनियर्स, मतलब ये तो गेस्ट हाउस है ना, ये यहाँ पे वो लोग ठहरते हैं ना। तो चलिए जस्ट मैं आपको आपके मोटिवेशन के लिए बता रहा था, है ना, और आप लोग भी तैयारी करो, है ना, और आप लोग का भी होना चाहिए ड्रीम कि ऐसे प्लेस पे कोल इंडिया हुआ या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुआ या जो है UPPCL AEJEE, है ना, मेट्रो हुआ, DFCCIL हुआ, कहीं पे भी आप सिलेक्शन लो, है ना, फिर आपको जो है मतलब जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है ना सारा दूर हो जाएगा। तो आप उसके लिए तैयारी करो ना, ठीक है, चलो फिर मैं बात करता हूँ आपसे। तो उसके लिए आप तैयारी करो, ऐसा नहीं कि आप जो है परेशान हो गए तो आपका आपको कुछ उससे जो है ना मतलब समाधान निकलेगा। और अगर आप सिलेक्शन कहीं पे लोगे, आप कहीं पे अगर अच्छा जगह हो जाएगा ना, तो फिर खुद आप मोटिवेट रहोगे आप। और उसके बाद देखो, एक ऐसा भी टाइम था
कि मेरा भी अच्छा रिजल्ट नहीं हो रहा था, मैं भी सीनियर्स को फ़ोन लगा के उनसे पूछता था कि कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या करूँ। लेकिन उनका जो भी मतलब सजेशन था, बस सजेशन ही था, करना हमको ही था, है ना। तो सजेशन कोई भी आपको देंगे उससे बस हल्का आपको पुश मिल सकता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनके सजेशन से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो करना आपको ही पड़ेगा, उसके लिए आपको ही जो है मतलब सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं और मतलब कुछ और बात करता हूँ थोड़ा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बस शॉर्ट ही वीडियो था ये आप लोगों के लिए, है ना, कि परेशान नहीं हो गया, शॉर्ट ही था मतलब इसी मामले में, बस आप ज़्यादा परेशान नहीं हो किसी भी रिजल्ट के रिगार्डिंग। जैसे मान लो किसी का 2 मार्क्स आया, किसी का 4 मार्क्स भी आया, किसी का 15 भी आया, किसी का 18 मार्क्स भी आया गेट में। अब बताओ 15 मार्क्स वाले अगर परेशान हो रहे हैं, बताओ कोई सोल्यूशन है उनके लिए? नहीं है। एक लड़का है उसका 12 मार्क्स है, वो अब परेशान हो रहा है ना, जूनियर है। तो अब अगर ऐसा आपका कंडीशन है तो आपको तैयारी करना है ना, आपको पढ़ना है, समझना है आपको चीज़ों को, ना कि आपको जो है परेशान होना है, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी मैं मतलब आराम से, है ना, और भी कुछ समस्या होगा आप कमेंट करें, कुछ भी हो आपको दिक्कत तो कमेंट करें और बताएं। और आप जो है मतलब किसी भी समस्या से मतलब उससे फ्रस्ट्रेशन में या उससे भागने की कोशिश मत करें, उससे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। उसको समझें। अगर मान लो गेट मेरा 12 मार्क्स आया या 10 मार्क्स आया या 15-20 मार्क्स आया या मान लो 35 मार्क्स ही आया, जस्ट क्वालिफाई ही हुआ हूँ, तो मैं देखूँगा ना मेरा तैयारी कितना दिन का हुआ है, मतलब तैयारी कब तक किया और कितने लॉन्ग टाइम तक मैं तैयारी किया, फिर उसका रिजल्ट मतलब मेरे अकॉर्डिंग आया नहीं आया, कहाँ कमी रह गया, तैयारी और करना है या नहीं करना है, है ना। घर से मेरा मतलब क्या फीडबैक मिल रहा है आपको, तो इस पर काम करना है आपको ना, इस पर काम करना है आपको, ना कि आपको जो है लोगों को फ़ोन लगा के और लोगों से आपको जो है समस्या का समाधान मिलने वाला है, ठीक है। बस यही है। और बाकी आप लोगों को अगर कुछ और डाउट है, कुछ और पूछना है ना, तो कमेंट करें आप। और मैं तो बार बार बता ही रहा हूँ सारे वीडियो में कि अगर आपका तैयारी सही है तो आप जो है बहुत सारे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, DFCCIL, RRBJEE, UPPCL, AEJEE, है ना, और गेट ईयर तो ठीक है ईयरली आते हैं, मेट्रो का आने वाला है कुछ फॉर्म, है ना, कुछ वैकेंसीज, तो लगे रहें इसके लिए, आप इसके लिए लगे रहें। अगर आपका तैयारी रहेगा कंटिन्यूटी में, कंटिन्यू तैयारी रहेगा तभी आपका वो भी एग्ज़ाम निकलेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका JEE का एग्ज़ाम है तो आप सिर्फ JEE का पढ़ाई कर रहे हो, आप जो है AEEE लेवल का पढ़ाई करोगे JEE आपका निकलेगा, है ना। अभी का टाइम ऐसा कंपटीशन है, अगर आप गेट ईयर का तैयारी करोगे तभी आपका AEEE निकलेगा। हाँ, रेयर केस में हो सकता है कि आपका जो है मतलब लक काम कर जाए, बट तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, मेरा यही है। और कुछ, हाँ, कुछ लोग ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर मैंने गेट का तैयारी कभी नहीं किया, ES कभी नहीं किया तैयारी, अब क्या मेरा जो है AEEE वगैरह निकल सकता है? तो उनके लिए मैं बताऊँ तो अगर आप गेट ES का तैयारी नहीं किए हो, है ना, तो फिर भी आपका जो है गेट ये AEEE वगैरह निकल सकता है ना। बट यही है कि क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन का वैरायटीज है ना, वो वैरायटीज क्वेश्चन के ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे। गेट ईयर से फ़ायदा क्या होता है कि ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन वो लोग कर लेते हैं, है ना, तो फिर उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो वही करना पड़ेगा आपको, जो है बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन लगाते हो बहुत सारे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है कि आप फिर सिर्फ AEEE का तैयारी जो है कर रहे हो तो आपका AEEE निकलेगा, या JEE का कर रहे हो। बस यही है कि मैं ये क्यों बोलता हूँ कि अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हो, ES कर रहे हो या ये कर रहे हो, है ना, तो आपका जो है JEE का या छोटे लेवल एग्जाम निकल, क्यों? ये इसलिए बोलता हूँ कि आपके ऐसा करने से बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आप देख पाते हो क्वेश्चंस को, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है तैयार मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा खासा बिल्डअप होता है, है ना। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका 50% क्वेश्चन ऑलरेडी आपको देखा हुआ मिलता है, ठीक है, ये फायदा होता है। तो आप ऑलरेडी रेस में आगे निकलते हो, जितना क्वेश्चन आपको मान लो पहले से ही लगेगा कि मुझे मालूम है और आपको मतलब लगेगा कि ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको वहाँ एक पुशअप मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम का फॉर्म भरना और तैयारी करना और है ना क्वेश्चन लगाना ही, बस इसका मोटो यही है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है क्वेश्चन गेट से आ जाएगा, क्वेश्चन ES से आ जाएगा, बस ये हुआ कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मैच करेगा,
कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से जो है मैच करते मिलेंगे, और ऐसा अगर आपको रिपीटेडली मिलेगा तो आपका चांस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। और किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में है ना, कोई भी पीएसयू लेवल का एग्ज़ाम है, आपको 80% आपको वहाँ पे मार्क्स मतलब लाने पड़ेंगे, है ना, 75-80%। क्योंकि अगर आप देखो खुद यूपीपीसीएल का ही देखो, 225 मार्क्स का था, कट ऑफ गया 150+, है ना। तो यहाँ पेपर थोड़ा उस लेवल का था और टाइम कम था, तो ठीक है मान सकते हैं आप, ठीक है मान लो 65% अप्रॉक्स हुआ, है ना, 70% मान लो 70%, तो वही है फिर, है ना। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, और भी कुछ है ना आप लोग का डाउट हो, और चलिए बाय बाय।